अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अज़ीज़ तुलबा तालबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चे, हम स्टडी कर रहे हैं आठवीं जमात का रियाजी मजमून स्कॉलरशिप इम्तिहान का लेक्चर नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए है। प्यारे बच्चे, लेक्चर नंबर 10 में आज हम पढ़ने वाले हमारा टॉपिक है ज़िमनी इकाई 2.5 कुव्वत नुमा। ठीक है, क्या है कुव्वत नुमा? अब यहाँ कुव्वतनुमा के मुताबिक जो कुव्वतनुमा के लिए जो है कुछ अहम नुकात यहाँ पर दिए हुए है, ठीक है, उसको देखेंगे हम। जैसे यहाँ पर 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3, यहाँ अदद को 3 को 5 मरतबा ज़र्ब किया गया है। इस ज़र्ब को 3 की कुव्वत 5 कैसे लिखेंगे? 3 को 5 मरतबा ज़र्ब ना करते हम लिखेंगे यहाँ पर 3 की कुव्वत 5। ये कुव्वत नुमा अदद है। कौन सा अदद है? ये कुव्वत नुमा अदद है। 3 की कुव्वत 5 को 3 की कुव्वत 5 पढ़ते हैं या 3 की कुव्वत 5वीं कुव्वत पढ़ते हैं। ठीक है, 3 की कुव्वत 5 भी पढ़ सकते हैं या 3 की 5वीं कुव्वत भी इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, 3 की कुव्वत 5 इस कुव्वत नुमा की सूरत वाले अदद में 3 को कायदा, 3 क्या है? 3 जो है कायदा है, बेस, क्या है? बेस। और 5 जो है कुव्वत नुमा है। ठीक है, 5 क्या है? 5 कुव्वत नुमा है। ठीक है, इस तरह से अब 2 की कुव्वत 3 को 2 की तीसरी कुव्वत या 2 का मकब पढ़ते हैं। ठीक है, अगर तीसरी कुव्वत है तो उसको मकब पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? और अगर 2 की कुव्वत दूसरी है तो उसको हम मुरब्बा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पहले हम पढ़ चुके, इसको मकब पढ़ेंगे मेरे बच्चों, और इसको जो मुरब्बा पढ़ेंगे। और फिर 2 की कुव्वत अगर 4 लिखे तो हम उसको 2 की कुव्वत 4 पढ़ेंगे, 2 की कुव्वत 5 है तो उसको 2 की कुव्वत 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी कुव्वत को बजाय मकब और दूसरी कुव्वत को कुव्वत की बजाय मुरब्बा पढ़ते हैं। ठीक है, वही चीज आ गई यहाँ पर। 3 बराबर 3 या 3 की कुव्वत 1 है, 1 कुव्वत लिखी नहीं जाती। अगर 3 लिखा यहाँ पर तो हमेशा यहाँ पर 1 कुव्वत रहे, लेकिन इसको लिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन 1 वहां पर कुव्वत होती है। बाज मरतबा सिर्फ अदद अदद दिया हुआ हो और अमल करना हो तब कुव्वत 1 लिखी जाती है। ठीक है, बाज मरतबा लिखी भी जाती है, बाज मरतबा नहीं लिखी जाती है। अब दिए हुए अदद का कायदा लेकर, कायदा लेकर कुव्वत नुमा की सूरत में लिखना। ठीक है, अब 3 कायदा लेकर 81 को कुव्वत नुमा की सूरत में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 कायदा लेकर 81 को कुव्वत नुमा की सूरत में, तो अगर 81 को 3 की मुफ़क अज़ा अरबी की सूरत में लिखे। ठीक है, 81 जो है 81 तो हम उसको 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, तो हम इसको इस तरह से 3 की कुव्वत 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की कुव्वत 4 जो है लिख सकते हैं। समझ मारी मेरे बच्चों? इस तरह से अब कुव्वत नुमा वाले अदद की कीमत मालूम करना। अभी नफी 1/2 की कुव्वत 6। ठीक है, पहले चेक कर, हमेशा ध्यान में रहे, अगर कुव्वत नुमा के अंदर नफी की अलामत है तो हम जवाब हमेशा जो है वो मुस्बित में आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और अगर जमा कुव्वत नुमा अगर ये जमा है तो जवाब हमेशा नफी में आएगा। ठीक है, अब 1/2 को कीमत को 6, हम 1/2 6 मरतबा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है, पहले 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ये 64 आ गया। ठीक है, और 1 को कितनी ही मतलब एक दिया जाए तो जवाब 1 ही आएगा, तो 1/64 इसका जवाब रहेगा। ठीक है, इस तरह से अब हम कह रहे हैं जो कुव्वत नुमा के कुछ उसूल दिए गए। ठीक है, कुव्वत नुमा के कुछ जो है उसूल है यहाँ पर, उसको देखना हमको। अगर बेस जो है कायदा का सेम है, कायदा यकसा है, तो कुव्वतों की क्या होंगी? जमा होंगी। कुव्वतों की क्या होंगी? जमा होंगी। अगर और बीच में जर्ब का अमल है करो, जब जर्ब का अमल रहेगा, कायदा बेस सेम रहेगा, तो कुव्वतों की क्या होंगी? जमा होंगी। और जब कायदा सेम हो, कायदा सेम हो और बीच में तकसीम का अमल हो, तो कुव्वतों की तफरीक होंगी। बैर बच्चों, हाँ, इसको ध्यान में रखें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 की कुव्वत 3 4 की कुव्वत 4, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, इन दोनों की कुव्वतों की क्या हो जाएगी? और ये बेस एक होना, बेस एक ही रहना चाहिए, 3 बेस एक रहेगा और ये 4
मैं से तीन गया एक, ठीक है एक तीन को दे जाएंगे इस तरह से। अगर कायदा सेम है और बीच में तफरी तकसीम का अमल है तो कुवतों की प्यारे बच्चों तफरी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे बच्चों एम जो है बड़ा होना चाहिए, यहाँ एम जो है मैंने छोटा ले लिया, यहाँ पर ये चार ले लेंगे, इसको तीन ले लेंगे, ठीक है। एम हमेशा बड़ा होना चाहिए, एम जो है हमेशा बड़ा रहेगा तभी ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब एक ही कुवत अगर सिफर का है तो वो एक उसका एक के बराबर होती है, ठीक है। अगर मैंने लिखा तीन की कुवत सिफर तो क्या आ जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अब पहले यहाँ पर कुवतों की कुवत दी है, ठीक है कुवत की कुवत दी है तो कुवत की कुवत में हमेशा क्या होता है जर्ब होता है, क्या होता है जर्ब। देखा आप जर्ब किया है, अगर मैंने लिखा यहाँ पर एक की कुवत तीन कुवत दो तो तीन एक कुवत दो तीन जरब दो एक कुवत छह हो जाएंगे, ठीक है एक ही कुवत कितनी हो जाएंगी छह हो जाएंगी। पांचवा है ए जरब बी की कुवत एम तो ए की कुवत एम हो जाएंगी और बी की कुवत एम हो जाएंगी, ये देखेंगे। फिर बच्चों ये उसूल ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है ये फॉर्मूला और उसूल जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब यहाँ देखेंगे ए की कुवत नफी एम है तो पहले बच्चों ये एक बटे एक कुवत जमा एम हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा एक बटे एक कुवत जमा एम हो जाएगा। अब यहाँ पर तकसीम का अमल है, ठीक है एक कुवत एम तकसीम एक कुवत एन बराबर एक बटे एक कुवत एन माइनस एम। यहाँ पहले बच्चों एम बड़ा था और यहाँ पर एन बड़ा रहेगा, ठीक है अगर एन बड़ा रहेगा तो ये रूल फॉलो होगा, एन अगर बड़ा रहेगा तो ये रूल प्यारे बच्चों फॉलो होगा। ये पूरा बच्चों आपको अच्छे से याद करना है, क्या करना है याद करना है तमाम फॉर्मूले को तमाम उसूल को, क्योंकि तो इसी पर से पूरे सवालात प्यारे बच्चों दिए रहेंगे। अब यहाँ पर 10 की कुवत का इस्तेमाल करके अदद लिखना, तो इसका तरीका समझेंगे। यहाँ देखेंगे दो चार छ आठ नौ अदद है, कितने अदद है नौ, तो पहला अदद छोड़ देंगे तीन जरब, ठीक है 10 की कुवत 8 ये पहला अगर छोड़कर पहले बच्चों जितने सिफर है उतने हम कुवत लगा देंगे, ठीक है 10 की कुवत 8 तो हम पहले बच्चों इसको जो इस तरह भी लिख सकते हैं हवा में रोशनी की रफ्तार जो है वो 3×10^8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है 10 की कुवत 8 मीटर पर सेकंड जो है इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं 10 की कुवत की सूरत में, ठीक है। आगे देखेंगे जमीन की सतह का रकबा, ये जमीन की सतह का रकबा दिया है मुरब्बा किलोमीटर में, ठीक है अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 लिखेंगे उसके बाद कितने अदद बचे 3×6 और 2×8, ठीक है 5.1 आशार्य क्यों लगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 के बाद 1 दिया है, ठीक है अगर सिफर है तो हम आशार्य नहीं लगाते। अब जरब 10 की कुवत 8, ठीक है 3×6 और 2×8 ये 5 को छोड़कर प्यारे जितना अदद बचेगा पहला अदद छोड़कर जितना अदद बचेगा उतनी हम कुवत नुमा लगा देंगे, ठीक है तो 5.1×10^8 मुरब्बा किलोमीटर, ठीक है मुरब्बा किलोमीटर पहला अदद को छोड़कर पहले बच्चों तमाम को है। अब यहाँ पर देखा जमीन का हजम दिया हुआ है, ठीक है जमीन का हजम दिया हुआ है ग्यारह अरब मकब किलोमीटर। तो पहले तुम क्या लिखेंगे एक लिखेंगे पहले, ठीक है ये एक लिखेंगे अब एक के बाद एक तो एक के बाद आश्चर्य लगाएंगे, अगर सिफर रहता तो आश्चर्य नहीं लगाते हम, ठीक है अब एक के बाद कितना है बच्चे 3×6 3×9 3×4 12, ठीक है जरब 10 की कुवत 12 मकब किलोमीटर, ठीक है इस तरह प्यारे बच्चों हम जो है 10 की कुवत की सूरत में अदद को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब सूरज और जमीन का दरमियानी फासला 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है 15 करोड़ किलोमीटर तो 15 प्यारे बच्चों हम एक लिखेंगे अब एक के बाद में आशार्य लगाएंगे क्योंकि आशार्य एक के बाद 5 है जर्ब कितना बचा एक के बाद 3×6 8 तो 10 की कुवत 8, ठीक है 10 की कुवत 8 1.5 जर्ब 10 की कुवत 8 किलोमीटर ये जमीन से सूरज से जमीन के दरमियान का फासला है, ठीक है चांद और जमीन का दरमियानी फासला, ठीक है पहला तो यहाँ लिख दिया हमने फिर आशारिया 8×4 ठीक है 8×4 लिख दिए
तीन आचार्य 84, ठीक है। अब यहाँ कितना तक बच रहे हैं, एक के बाद तीन, तीन छह और दो आठ, तो 10 की कुवत 8 इतनी, ठीक है, 10 की कुवत 8, ठीक है। अब पहले जो आचार्य के बाद यहाँ सिफर है, सिफर के बाद, अरे सिफर आचार्य के बाद सिफर 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 है, तो इसके पहले जो नफी करके लिखेंगे, ठीक है। अभी तीन लिखेंगे जर्ब 10, ठीक है। अभी सिफर आचार्य को छोड़ देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 10 की कुवत -12, ठीक है, 10 की कुवत -12। वैसे यहां पर लिखेंगे 3 आचार्य 56, अभी तीन के बाद कितना बच रहा है, देखेंगे 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 4, 12 और 3, 5, 15 और 16, 14 3, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13 जो हमने लिखा है यहाँ पर इसको 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 भी छोड़ देंगे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। तो 10 की कुवत -9, नफी 14, ठीक है, नफी 14। अब यहाँ पर पहले बच्चों लिखा हुआ है, जैसे हम लिखे 81 की कुवत 1/4, तो उसको पढ़ेंगे 81 का 4th जज़र, ठीक है, 81 का 4th जज़र। अगर 1 की कुवत 1/n रहेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे 1 का 9th जज़र, ठीक है, 1 का 9th जज़र इसको पढ़ेंगे। हमारे प्यारे बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिक है, आपको थोड़ा समझने में तकलीफ, लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने प्यारे बच्चों, सवाल आपको आसानी के साथ में हल कर लेंगे। सवाल नंबर एक है, 1 की कुवत 3 ज़र्ब 1 की कुवत 2 ज़र्ब 1 की कुवत 4। अब प्यारे बच्चों बेस एक यक्षा है, बेस जो है यक्षा है, और ज़र्ब के अलावा तो कुवतों क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, 3 जमा 2 जमा 4, 3, 2, 5, 4, 9, तो 1 की कुवत 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर एक भी हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर दो देखेंगे, 3 की कुवत नफी 2 ज़र्ब 2 3 की कुवत 2, तकसीम 3 की कुवत 2 ज़र्ब 3 की कुवत नफी 1 ज़र्ब 3 की कुवत 1। अब पहले जो ज़र्ब का मल है, बेस यक्षा है, तो कुवतों की क्या करेंगे हम, जमा करेंगे, नफी 2 जमा 2, नफी 2 जमा 2 कर रखते हो जाएंगे ये 3 की कुवत 0 हो जाएगा, ठीक है, 3 की कुवत 0 हो जाएगा। अभी 3 की कुवत 2 ज़र्ब 3 की कुवत नफी 1 ज़र्ब 3 की कुवत 1, ठीक है। तो कुवतों की जमा करेंगे यहाँ पर हम, कुवतों क्या करेंगे, 3 की कुवत 2 नफी 1 जमा 1, ठीक है। तो ये आएगा मेरे बच्चों 3 की कुवत 2, ठीक है, 3 की कुवत 2। तो और क्या करें, जो यहाँ पर हम इसको 1 के बराबर, अगर किसी अदद की कुवत 0 है तो 1 के बराबर होती है, तो ठीक है, हम इसको 1/3 की कुवत 2 और 1/3 की कुवत 2 का मतलब होता है 3 का मुरब्बा, और 3 का मुरब्बा 9 होगा, तो 1/9 हमारा जवाब आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, ऑप्शन नंबर एक जो हमारा सही जवाब है। वही रूल है मेरे बच्चों, कुवतों की हम जमा करेंगे, ठीक है, कुवतों की क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ बेस है सेम है, यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, तो उसको क्या करेंगे, ज़र्ब कर देंगे कुवतों की, तो नफी 3 की कुवत 4 ज़र्ब नफी 3 की कुवत 2, यहाँ नफी 3, ठीक है, 4 जमा 2 बराबर 6, तो नफी 3 की कुवत 6, ठीक है। अब एक बचे पहले तो 1 को 4 मतलब ज़र्ब की सूरत में लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर गौर करेंगे हम, जो है अगर यहाँ पर एक जो है नफी में, ठीक है, एक जो नफी में जवाब हमेशा मुस्बित में आएगा, तो 1 और 4 मतलब ज़र्ब करेंगे हम, पहले जो एक को कितनी मतलब ज़र्ब करें, जवाब 1 ही आएगा, ठीक है। अब नफी में जमा में आएगा, जमा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे पहले बच्चों, हम जो है नफी 3 की कुवत 6 ज़र्ब 1, यानी ये हो जाएगा नफी 3 की कुवत 6, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब है। आगे बने क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 1024 x की कुवत 15 तकसीम 1028 x की कुवत 12। फिर यहाँ गौर करेंगे हम, इसको अगर हल करेंगे हम, 1024 x की कुवत 15 तकसीम 1028 x की कुवत 12, यहाँ पर हम
1024 को 10 की कुवत 2 की कुवत 10 लिख सकते हैं, ठीक है, x का कुवत 15 वैसे लिख देंगे, जैसे 2 कम 10 बार ज़र्ब के 16 लिखे, 2 ज़र्ब 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 2 दो दो चार चार दुनिया आठ आठ दुनिया सोलह सोलह दिन बत्तीस बत्तीस दिन चौंसठ चौंसठ दुनिया 128 128 दो छप्पन दिन 512 दुनिया 1024, ठीक है। तो जो दो की कुवत 10 लिख सकते हैं हम इसको, और 128 के बारे में हम दो की कुवत 7 लिख सकते हैं, ठीक है, जर्ब एक्स 12 एक्स की कुवत 12। अब पैर बच्चों गौर करेंगे यहाँ पर जो इनमें, ठीक है, तकसीम है, तो पहले तो उसूल हमने पढ़े थे, उसूल के यहाँ पर क्या हो जाएंगी कुवतों की 10 तफरीक हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, अब ये x 15 माइनस 12 ये 2 की कुवत 3, ठीक है, 2 की कुवत 3 ज़र्ब x की कुवत 3, ठीक है, x की कुवत 3। अब 2 की कुवत क्या है, तो 3 का मतलब बताए 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 2 2 4 4 दूनी 8 आठ एक्स की कुवत 3, ये हमारा जवाब रहे, ठीक है क्या, आठ एक्स को 3 ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले जब इसके पहले हमने यहाँ पर देख गौर करेंगे ये वाला रूल देखेंगे, ये रूल रूल कहाँ पर उसूल का है, उसूल हाँ यहाँ पर देखेंगे पहले बच्चों यहाँ पर जो है एक ही कुवत एन तकसीम एक ही कुवत एन, ठीक है, जैसे वहाँ दो की कुवत 10 थी और दो की कुवत 7 थी, एक कुवत क्या आ जाएंगे बच्चों तफरीक हो जाएंगे, ठीक है, तफरीक हो जाएंगे, तो वही रूल यहाँ पे हमने फॉलो किए है, ठीक है, यही रूल हमने यहाँ पर फॉलो किए है, देखेंगे ये, ठीक है, तो यहाँ तफरीक होंगी कुवतों की, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे, 5/6 इसको पहले 1/2 है ना, 1/2 है, तो हम 5/6 का 6 का दूसरा यानी जजर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जजर दूसरा जजर, ठीक है, कि कुवत नफी 7/2 पहले जो है कुवतों की कुवत दी है, तो कुवतों की कुवत क्या होगी, जरब होंगी, ठीक है, 5/6, ठीक है, अभी कुवतों की कुवत जरब हो जाएंगे, 1/2 जरब नफी 7/2, अब नसब नुमा बराबर है तो ये 2 हो जाएगा, और ये जो है एक को नफी 7 से जरब जवाब जरब देंगे तो जवाब पहले तो नफी 7 ही आएगा, ठीक है, तो 5/6 की कुवत नफी 7/2 ये हमारा जवाब रहेगा, ठीक है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ जरब का मैंने पहले तो ये इन लोगों की जरब होंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 जरब 2 4, ठीक है, 2 2 4 और 7 के साथ यहाँ 4 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहाँ पर, पहले जो इसमें सॉल्व आसान करना बहुत बहुत इजी है, जैसे यहाँ पर 9 जजरुल मुरब्बा में लिखा है, किसमें लिखा है, तो पहले जो 3 का जजरुल 9 का मुरब्बा जजरुल मुरब्बा जो है 3 रहेगा, 3 क्या रहेगा, तो हम जजर 9 को 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 लिख सकते हैं, तो 3, ठीक है, फिर ये जजर आ जाएगा 1/3, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 हो जा रहा, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, अब 4 जो 2 का जजर है बच्चों, तो हम 2/2 कर सकते हैं, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 जो है 2 का जजरुल मुरब्बा है, सॉरी 4 जो है 2 का मुरब्बा है और 4 का जजरुल मुरब्बा 2 है, तो ये 2/14 जजर हो जाएंगे बच्चों, जजर 16, ठीक है, जजर 16 हो जाएगा, और जजर 16 जो है ये पहले बच्चों 4 का मुरब्बा है और जजर 16 का जजर मुरब्बा 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है, या 3 ले लेंगे पहले बच्चों, 3 में मिलाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, अब 4 2 का जजर मुरब्बा है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, जजर में है तो ये 2/4 हो जाएगा, अब 4 जो है ये 2 का जजर मुरब्बा है, 4 का जजर मुरब्बा 2 है, तो ये 2/14 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, अब जजर 16 पहले बच्चों 16 का जजर मुरब्बा कितना है, 4 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ठीक है,
ऑप्शन नंबर एक जो है वो हमारा सही जवाब है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सात देखें प्यारे बच्चों, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, देखें इसको गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों। जजर 22 की कुवत 4m^8 बराबर 22 हो तो m बराबर कितना, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, m बराबर कितना जो है ये हमको मालूम करना है। तो पहले जो है गौर करेंगे, 4m^8 ठीक है बराबर, यहां पर क्या करेंगे हम जो है ये जजर हटा देंगे, यहां पर जजर हटाएंगे तो पैर बच्ची हो जाएगा जजर हटा देंगे यहां पर हम जजर क्या है जजर को हटाएंगे अभी तो वो रहेगा 22 4m^8 तो हम इसको क्या क्या करेंगे मेरे बच्चों यहाँ पर 1/2 ठीक है, यानी दूसरा जजर, जजर का मतलब क्या होता है 1/2 दूसरा जजर ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों यहाँ पर हम जो है यहाँ दो को कॉमन निकालेंगे ठीक है, दो को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, ये 22 की कुवत 2 कॉस में 2m^4 ठीक है, ये दो को कॉमन निकाले हमने, ये उसकी कुवत 1/2 ठीक है। अभी दो को उससे सर्व दे देंगे, ये हो जाएगा 22 की कुवत 2m^4। अब ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 ÷ 1/2 इसको इससे सर्व दे दिए ठीक है, अगर ये दो कट जाएगा ठीक है, तो बचेगा 22 की कुवत 2m^4 ठीक है 4। और प्यारे बच्चों अगर गौर करेंगे हम, ये जो है जजर 22 की कुवत 4/m के बराबर है ठीक है ठीक है। अगर गौर करेंगे तो यहां पर जजर 4/m की कुवत यहां पर m जजर 22 की कुवत 4m^8 जो है ये 22 की कुवत 2m^4 के बराबर आ रही है ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहां अगर हल करेंगे इसको, इसे जजर 22 की कुवत 4m^8 ये किसके बराबर है 22 के बराबर है ठीक है 22 के बराबर है, और जजर 22 4m^8 जो ये 22 2 की कुवत m^4 के बराबर है ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले जो असास यहाँ पर कुवत नंबर एक रही है ठीक है, अब बेस जो है बराबर आ गए, बेस सेम आ गए तो हम क्या करेंगे बेस को छोड़ देंगे, कुवतों को हल करेंगे ठीक है, कुवतों की क्या करेंगे तो पहले बच्चों ये 2m^4 = 1 ठीक है ठीक है। अब ये 4 इधर आ गए, ये 2m^4 = 4 इधर आ गए, 4 हो जाएगा 1 + 4 ठीक है। अब m = 5/2 ठीक है, एम किसके बराबर का है 5/2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब प्यारे बच्चों जर्ब का अमल है ठीक है, असास बराबर देखेंगे, असास जो सेम है तो कुवतों की जर्ब करेंगे हम, अरे कुवतों की जमा करेंगे सॉरी, कुवतों क्या करेंगे अब नफी 1/3 + नफी 2/3 ठीक है जमा नफी 5/3 ठीक है, नसब नुमा बराबर है, नसब नुमा यकसा है ठीक है, ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों ये 3 आ जाएगा ठीक है, और 5 में 2 मिला है 7 में 1 मिला है 8 तो नफी 8/3 ये इसकी कीमत आ गई, नफी 8/3 ऊपर वाले की तुम्हार गुनिंदा की ठीक है। अब नसब नुमा देखेंगे, नसब नुमा वही कुवतों की हम क्या करेंगे जमा करेंगे, नफी 4/3 जमा नफी 7/3 जमा नफी 9/3 ठीक है, ये तो पहले सेम ही रहेगा 1/2 कॉमन आएगा, बेस सेम है ठीक है, तो 3 आएगा। अब ये जो पहले बच्चों हम इसकी जमा करेंगे तो 4 और 7 = 11 11 9 20 ठीक है 11 9 20 तो ये 20 आ जाएंगे ठीक है, कितना आ जाएगा
20 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है अगर हम गौर करेंगे तो नफी एक बटे दो की कुव्वत पहले कितना आई थी, नफी आठ बटे तीन आई थी, ठीक है। तकसीम एक नफी एक बटे दो की कुव्वत दूसरे में बीस बटे तीन आई थी, ठीक है। अब पहले तो रूल क्या है कि कुव्वतों की तफरीक हो जाएंगी, ठीक है। असास यक्सा है, यहाँ असास जो यक्सा है तो कुव्वतों की आ जाएंगी, तफरीक हो जाएंगी, ठीक है। तो नफी आठ, ठीक है, नफी बीस है तो ऊपर जाकर तो जमा बीस हो जाएगा, तो नफी आठ बटे बीस बटे तीन, ठीक है। तो नफी आठ जमा बीस से हो जाएगा, नफी आठ जमा बीस हो जाएगा बारह बटे तीन, ठीक है। तो एक बटे दो की कुव्वत बारह बटे तीन, अब इसको हल करेंगे तो तीन का तीन तीन सौ बारह, तो एक बटे दो नफी एक बटे दो की कुव्वत चार, ठीक है। अब ये नफी को कितनी मरतबा ज़र्ब करें तो एक ही रहेगा, अब जवाब नफी में आया या नफी में तो जवाब जमा में आएगा। एक बटे दो की कुव्वत चार का मतलब होता है, दो की कुव्वत चार का मतलब होता है दो ज़र्ब दो ज़र्ब दो ज़र्ब दो, दो दो चार, चार दुनिया आठ, आठ दुनिया सोलह, तो एक बटे सोलह का हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर दो, हमारा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर दो जो है वो हमारा सही जवाब है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे। चार आश्चर्य आठ की कुव्वत छह जरब बीस, बीस की कुव्वत छह सोलह जरब बीस की कुव्वत जमा छह, अब इसको हल करना है प्यारे बच्चों। यहाँ चार आश्चर्य आठ लिखे प्यारे बच्चों हम, तो इसको दस की कुव्वत में अगर हमको लिखना है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक बटे दस जरब अड़तालीस, ठीक है, की कुव्वत छह, इस तरह लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। आश्चर्य हटाने के लिए हमने एक बटे दस उसमें इसको तब्दील कर दी, तहवील कर दिए, ठीक है, और ये बीस की कुव्वत छह, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे सोलह जरब बीस की कुव्वत जमा छह वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये एक बटे दस को हम प्यारे बच्चों यहाँ पर जीरो आशारिया एक लिख सकते हैं, ठीक है, और ये एक बटे दस की कुव्वत छह दो जीरो आशारिया एक की कुव्वत छह जरब अड़तालीस की कुव्वत छह, ठीक है, जरब बीस की कुव्वत छह, ठीक है, इतना लिखा हमने। नीचे वैसे रहेगा सोलह जरब बीस की कुव्वत छह, समझ में आया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है सोलह की कुव्वत छह, इसको मैं ऊपर हल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे सोलह की कुव्वत जीरो आशारिया एक की कुव्वत छह जरब सोलह की कुव्वत छह को प्यारे बच्चों जो है तीन जरब सोलह की कुव्वत छह लिख सकते हैं, सोलह की अड़तालीस अड़तालीस की कुव्वत छह वही आ रहे हैं, अरे जरब बीस की कुव्वत छह, ठीक है, बटे सोलह जरब बीस की कुव्वत छह, ठीक है। ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, एकदम आसान है, ठीक है। अब इसको देखेंगे यहाँ पर हल करेंगे हम। अब ये पहले जो जीरो आशारिया एक की कुव्वत छह, ठीक है, जरब ये तीन की कुव्वत छह हो जाएंगे, सोलह की कुव्वत छह हो जाएंगी, तीन की कुव्वत छह जरब सोलह की कुव्वत छह जरब बीस की कुव्वत छह, और ये सोलह जरब बीस की कुव्वत छह, ये सोलह जरब बीस की कुव्वत छह सोलह जरब बीस की कुव्वत छह, ये कट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या बच रहा है देखिए, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ जीरो आशारिया एक की कुव्वत छह जरब तीन की कुव्वत छह बच रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों किसी भी अदद को हम यहाँ पर इस बार इसको जरब दिए जीरो आशारिया एक जरब तीन की कुव्वत छह, हमको जवाब मिलेंगे प्यारे बच्चों जीरो आशारिया तीन की कुव्वत छह, ठीक है, जीरो आशार्य तीन की कुव्वत छह हमारा जवाब मिलेगा। यहाँ कहाँ पर है जीरो आशार्य तीन की कुव्वत छह, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक जो हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दस देखेंगे। जीरो आशार्य जीरो 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 एक जीरो जरब जीरो आशार्य जीरो 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 एक दो बराबर चार जरब तीस जरब दस, ठीक है, इसको हम हल करने पर, तो अब अगर गौर करेंगे हम तो ये दस
जरबो अबे जीरो, ये जो इसके बारे में तुम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की कुव्वत नफी 6, इसके बाद हमने देखे इसको जो है सॉरी दस जरबो 10 की कुव्वत नफी 6, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और ये 12 जरबो 10 की कुव्वत नफी 6, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये छोड़कर दो चार छ, ठीक है। 10 की कुव्वत नफी 6 इसको सारा लिख सकते हैं हम। इसके पहले बड़े पैर बच्चे इसको, अब इसको हल करेंगे पैर बच्चे। यहाँ पर अगर हम तो ये 10 जरब 12 जरब ये कुव्वत की कुव्वत जमा हो जाएंगी, ठीक है। कुव्वत की कुव्वत की जमा हो जाएंगी, तो 10 जरब नफी 12, ठीक है। और 120 जरब 10 की कुव्वत नफी 12, ठीक है। 10 की कुव्वत नफी 12, अब 30 जरब 4 जरब 10 की कुव्वत नफी 12, ठीक है। 10 की कुव्वत कितना आ जा रही है, नफी 12 आ जा रही है। यहाँ देखेंगे 10 की कुव्वत कितनी आ रही है, चौकों में होंगी मालूम करना था। 10 की कुव्वत नफी 12 है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक तो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वही पहले तो कुव्वतों की हमें जमा करना पड़ेगी। बस यहाँ कुव्वतों की क्या करना पड़ेगी, जमा करना पड़ेगी, ठीक है। पहले शुमार कुनिंदा ले लेंगे, यहाँ पर हम तुम्हार को निंदा ले लेंगे, ठीक है। तो 3/3 इसे 2 की कुव्वत, 2/3 की कुव्वत, 3/4 जमा, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ नफी है, नफी है, यहाँ नफी की अलामत है। नफी 1/4 जमा 1/2, ठीक है। 1/2 यहाँ पर पहले बच्चों क्या करेंगे, नसम में बराबर करेंगे। यहाँ जरब 2 हो जाएगा, यहाँ जरब एक ही रहेंगे। अभी यहाँ पर बराबर, यहाँ जरब 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की कुव्वत नफी 4, नफी 1 की कुव्वत/4 जमा 2 की कुव्वत/4, ठीक है। 2 3 5, 2 और 3 3 और 6, 6/4 सॉरी 2, ये माइनस है ना पहले बच्चों। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में 2 जमा करेंगे 4, ठीक है। 4 4/4 = 1। तो ऊपर की बार बच्चों क्या कीमत आ रही है, यहाँ पर गौर करेंगे तो 2/3 की कुव्वत नफी 1 आ रही है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे नसबनुमा को वैसे हल करना है पहले बच्चों, कुव्वतों की जमा करना है, ठीक है। अरे पहले बच्चों ये इसकी कुव्वत 0 तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब नफी 2 3/2 की कुव्वत 4/5, 4/5 नफी 14/5, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 में से 14 माइनस 4 करेंगे तो ना बचेंगे, नफी 10/5, ठीक है। नफी 10/5, अब ये 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। ये है 3/2 की कुव्वत नफी 2, ठीक है। अब इनकी तकसीम करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, इनकी तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने के बाद क्या हो जाएगा, अब इसको हम अगर जरब जैसे यहाँ पर हम लेते रहेंगे, इसकी कुव्वत क्या आ रही है ऊपर वाले की, 2/3 की कुव्वत 1 तकसीम 3/2 की कुव्वत नफी 2। अब इसको जरबी माबूस लेंगे हम, तो ये ऊपर जाके ये जरबी माबूस अभी लेते हैं हम इसका, तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। कुव्वत एक हम लिखेंगे यहाँ पर, जरब 2/3, ठीक है, की कुव्वत 2, ठीक है। ये नफी ऊपर जाकर जमा हो जाएगा, ठीक है, नफी ऊपर जाकर जमा हो जाएगा। अब ये सॉरी ये 2 ऊपर गया, 2/3, ठीक है, 3/2 होना पैर बच्चे, 3/2 ये, ठीक है, 3/2 है। ये 2 कट, ये 2 कट, ये 1 कट, ये 1 कट, ठीक है। ये 3/2 की कुव्वत 2 है, 3/2 हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से देखेंगे 2 की कुव्वत 2, जरब 2 की कुव्वत 3, ये जरब 2 है, कुव्वत 2 है, तो उसको 2 बार लिख देंगे,
बटे तीन तो ये तीन, तीन बटे दो, हाँ सॉरी तीन बटे दो है ये, दो अब तीन बटे दो आए हैं ना, ठीक है तीन बटे दो, ये दो, ये दो कट, ये एक कट बचा, इतना इतना बचा है तीन बटे दो बच रहे, ठीक है तीन बटे दो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही जवाब, ठीक है। बस कुवतों की जमा का वसूल यहाँ पर लिया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पर नया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मेरे बच्चों, एक बटे दो की कुवत दो जर्ब दस की कुवत एक्स, ये जो है बराबर 25 लाख के बराबर है, ठीक है इसके बराबर है 25 लाख के बराबर है मेरे बच्चों, ये जो कीमत रहेगी ये हम इसको हम 25 जर्ब 1 लाख कर सकते हैं इसको, ठीक है 25 जर्ब 1 लाख, ठीक है 25 जर्ब 1 लाख। अब ये एक बटे दो के तरह हम 0.5 लिख सकते हैं, अब 0.5 का मुरब्बा मतलब होता है 2.5 का 0.25, ठीक है 0.25 25, ठीक है जर्ब 100 जर्ब 1 लाख, ठीक है 1 लाख अभी हो गया। अब इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 0.5 का मुरब्बा, ठीक है जर्ब, यहाँ दो सिफर प्यारे बच्चों और 1 लाख में 5 सिफर और 10 की कुवत 7 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है 10 की कुवत 7। और ये जो प्यारे बच्चों अगर गौर करेंगे हम, तो ये 10 की कुवत 7 और 10 की कुवत 1 ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है 10 की कुवत 7 और 10 की कुवत 1 जो है ये बराबर आ रहे हैं, समझ में आ रहेगा। हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 7, ठीक है x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब, ठीक है ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भाई, कुवतों की यहाँ पर नहीं असास अलग बेस अलग है मेरे बच्चों, बेस अलग है, हम कुवतों की जर्ब नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये अलग नहीं पड़ेगा, हम पहले इसको उठाएंगे एक नंबर पे, ठीक है एक नंबर पे इसको उठाएंगे, ठीक है तो ये मेरा 54 की कुवत 3, इसको हम जो है 27 जर्ब 2 की कुवत 3 लिख सकते हैं, ठीक है अब 27 को मेरे बच्चों जो है 27 और 3 की कुवत 3 लिख सकते हैं, जर्ब 2 की कुवत 3, ठीक है अभी कुवतों कुवत की क्या देंगे 3 की कुवत 3, ठीक है इसको इससे जर्ब देंगे, इसको इससे जर्ब देंगे, जर्ब 2 की कुवत 3, ठीक है 2 की कुवत 3 तो आ जाएगा 2 की कुवत 3 की कुवत 9 जर्ब 2 की कुवत 3। ये 54 को इस तरह से हम पहले बच्चों बता सकते हैं, ठीक है पहला वाला। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा उदाहरण में 12 की कुवत 3, ठीक है 12 की कुवत 3 तो 12 को 4 जर्ब 3 की कुवत 3 लिख सकते हैं, ठीक है अब ये 4 को पहले तो 2 की कुवत 2 लिख सकते हैं हम, जर्ब 3 की कुवत 3, ठीक है इस तरह से अब ये 2 की कुवत 2 जर्ब 3 की कुवत 3, ये 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है 2 की कुवत 6 जर्ब 3 की कुवत 3, ये दूसरे वाले के पहले बच्चे जवाब आ रहा है, ठीक है दूसरा वाला, ठीक है मैं चौकों में कर रहा हूँ इसको, ये 2 नंबर पे इसकी कीमत हमने निकाले, ठीक है इसकी कीमत हमने निकाले। अब 3 नंबर पे 8 की कुवत 4 की कीमत निकालेंगे मेरे, तो 8 की कुवत 4, ठीक है तो 8 की कुवत 4 को पहले बच्चों हम जो है ये 2 की कुवत 3 जर्ब 4 बराबर 2 की कुवत 12, ठीक है 2 की कुवत 2 8 को हम जो है मेरे बच्चों 2 की कुवत 3 लिख सकते हैं, जैसे 2 जर्ब 2 जर्ब 2 2 2 4 4 2 8, ठीक है तो 2 की कुवत 3 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो गया 3 नंबर का, ठीक है और 4 नंबर पर ये आ रहे हैं, 4 नंबर पर ये आ रहे हैं तो इसको किससे हल करेंगे मेरे बच्चों, 9 जर्ब 2 की कुवत 3 इसको हम लेंगे 3 की कुवत 2 जर्ब 2 की कुवत 3, 9 गुणा 3 की कुवत 2 लिख सकते हैं, ठीक है अब ये 2 3 की कुवत 2 जर्ब 3 जर्ब 2 की कुवत 3 2 3 6 3 की कुवत 6
वो दो की कुवत तीन, ये चौथा आ गया, ठीक है चौथा आ गया, ये तीसरा आया था, ठीक है तीसरा, ये चौथा। पहले कुछ आप पांचवा लेंगे हम, पांचवा देख कौन सा बच रहा है यहाँ पर, इसके बाद पहले एकदम आसान हो जाएगा वो, एक की कुवत नफी तीन जरब तीन की कुवत तीन। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो रहना तीन जरब दो की कुवत नफी तीन, ठीक है बराबर तीन की कुवत नफी तीन जरब दो की कुवत नफी तीन, ठीक है ये पांच नंबर का है, ये पांच नंबर का है। इसके ऊपर पर हम रखेंगे तो अपन हम क्या लिख सकते हैं, तीन की कुवत नौ जरब दो की कुवत तीन ये लिख सकते हैं, ठीक है जरब बारह को क्या लिख सकते हैं, बारह को, बारह को दो की कुवत छः जरब तीन की कुवत तीन लिख सकते हैं, जरब आठ को क्या लिख सकते हैं, बारह की दो की कुवत बारह, ठीक है बटे अब नौ जरबो दो की कुवत तीन को क्या लिख सकते हैं हम, तीन की कुवत तीन, तीन की कुवत छह जरबो दो की कुवत तीन, ठीक है लिख सकते हैं बीच में जरबो की अलामत। अब जो है छह की कुवत तीन जरबो तीन की कुवत तीन को क्या लिख सकते हैं हम, छह की कुवत नफी तीन जरबो दो की कुवत नफी तीन, ठीक है। अब पहले तो अगर इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये बेस सेम है, ये बेस सेम है तो कुवतों की कुवतें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, ये तीन की कुवत बारह, ठीक है तीन की कुवत बारह हो जाएंगी। अब ये बेस सेम है, दो 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 इनकी जमा करेंगे, बारह से अठारह, अठारह तीन इक्कीस जरब दो की कुवत इक्कीस। अब यहां पर प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, तो तीन की कुवत प्यारे बच्चों, तीन की कुवत छह कर दिया मैंने, तीन की कुवत नफी थी। अब ये बेस यू बेस सेम है प्यारे बच्चों, तो यहाँ कैसे आएगा, दो जरूर तीन दो और आए भाई बच्चों, तीन आएगा, ठीक है और यहाँ दो आएगा, दो की कुवत तीन, ठीक है ये तीन, ये तीन और ये तीन, ठीक है तो तीन की कुवत छः नफी तीन कितना हो जाएगा, ये छः में से तीन गया, तीन तीन जमा तीन छः छः, और ये जो है कितना आ जाएगा, तीन की कुवत छः, ठीक है और ये दो, और ये दो ले लेंगे, ठीक है ये हो जाएगा दो की कुवत सिफर आ रही यहाँ पर, ठीक है तीन में से तीन जा रहे तो कितना जाएगा सिफर, और ये एक के बराबर रहता है। तो जो यहाँ पर तीन की कुवत बारह जरब दो की कुवत इक्कीस बटे तीन की कुवत छः जरब दो की कुवत सिफर, ठीक है इतना समझ में आया मेरे बच्चों, ठीक है। अब पहले बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों की क्या करेंगे, इन दोनों की तफरीक करेंगे, ठीक है ये हो जाएगा बारह में छह गए तो तीन की कुवत छह, ठीक है जरबो अब यहाँ एक ही पहले बच्चों, तो ये दो जरबो इक्कीस ही बचेगा, ठीक है दो जरबो इक्कीस ही बचेगा, तीन की कुवत छह जरब दो, दो की कुवत इक्कीस, ऑप्शन नंबर चार हमारा सही जवाब, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन था पहले बच्चों, थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे पहले बच्चों तो आप प्रैक्टिस के अंदर आप सवाल को देखते आप हल करना माइंड में हल करना शुरू कर देंगे और जवाब तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर पहले बच्चों, एक स्कूल में राष्ट्रगीत के लिए लड़कियां खड़ी है, एक कतार में जितनी लड़कियां हैं उतनी ही कतारें हैं, ठीक है सलमा 15वीं लड़कियां जो कहती है कि वो वस्त में है, बीच में कौन है, 15 नंबर पर सलमा है, ठीक है अभी बीच में है बच्चों, तो इधर 14 आ जाएगा, ठीक है और इधर 14 आ जाएंगे, तो 14 14 28 और 29, तो एक एक लाइन में कितनी लड़कियां आ रही है, 29 लड़कियां आ रही है, ठीक है एक कतार में जितनी लड़कियां उतनी ही कतारें हैं, 29 29 कतारें भी हैं, ठीक है तो राष्ट्र गीत के लिए कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं।
29 को 29 से जरब दे देंगे और 29 का मुरब्बा प्यारे बच्चों जो है वो है 841। कितना है? जैसे 2 का मुरब्बा हमने 4 लिए, ठीक है, 9 का मुरब्बा 81, 2 18 और 18 36। मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया इसको हल करने का, 1 8 से 14 के 4 असल है, 1 1 और 4 5 5 और 3 8 841 हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप समझ सकते हैं बारे में। मैंने 2 से लेकर 9 तक तो जो मुरब्बा है तो उसको मालूम करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई, इसके बिना आप वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पर हमने बहुत स्पीड में उसको हल किया है। 2 का मुरब्बा लेंगे 0 4 0 4 एक ही अगर है तो हम 0 के साथ में लेंगे, उसको हमेशा 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, 9 का मुरब्बा 81 हो जाएगा। अभी 2 जरब 9 9 दूनी 18 18 को 2 से जरब दे देंगे तो 18 दूनी 36। अब इन दोनों की जमा कर देंगे तो 841 जवाब आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब यहाँ पर 2 की 3 की 4 0 है जाएगा तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अरे 2 की 4 3 है तो ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों 1 जरब। अभी कुवतों की प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर कुवतों की क्या कर देंगे, जरब कर देंगे। ठीक है, जरब करेंगे तो जरब करने के बाद में प्यारे बच्चों हमको जो जैसे यहाँ पर 2/3 1/4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, पर जो ये 3/2 की कुव्वत 2/5 जरब 5/8, 2 1 2 2 4 8, 5 1 5 5 1 5, ये बच रहा है 1/4। ठीक है, 1/4 आया। अब इसको हल करेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे 1 जरब। ठीक है, 1 जरब 3/2 की कुव्वत 1/4/ 8। ठीक है, अब इन दोनों की प्यारे बच्चों यहाँ जरब करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसे भी जरब देना है, इसको इसको भी जरब देना है, ये हो जाएगा 2/3 की कुव्वत 16/1। यहाँ बटे में कुछ नहीं, नहीं इसका मतलब 1 है जरब 5/8 8। ठीक है, ये 8 का 8 8 9 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 की कुव्वत 2 जरब 5 10। ठीक है, 10 आ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 1/3/2 की कुव्वत 1/4 नीचे रहेगा। ठीक है, 2/3 की कुव्वत 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 10। अब प्यारे बच्चों यहाँ जो ये ऊपर जाकर जरब हो जाएगा, ठीक है, इनको जरब कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3 की कुव्वत 4 1/4 जरब 2/3 की कुव्वत 10। अब 1/4 का मतलब होता है बच्चों 14 जजर। क्या होता है 14 जजर, तो इसको इस तरह लिखेंगे हम। ठीक है, 2 3/2, ठीक है, 3/2 ऊपर चले तो 3/2 हो जाएंगे बच्चों, 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, जरब भी महफूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, और ये जरब 2/3 10। ठीक है, ये हमको कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये हमको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 जो है। तो जो सवाल दिखता बहुत हार्ड है लेकिन आपको उसूल का भी पता है, जैसे ये पूरा 1 के बराबर आ जाएगा, ये पूरा 1 के बराबर आ जाएगा, यहाँ कुवतों की जरब कर देंगे। ठीक है, सॉरी कुवतों की जरब कर देंगे, फिर ये एक कुवत की जरब कर देंगे, तो जरब करने के बाद फिर जो आखिरी में जो बच रहा है वो ये बच रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब रहेगा। यहाँ पहुंचकर प्यारे बच्चों हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है वो यहीं पर खत्म होता है।
अब आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।